भाग रहा है। हरी बोल। ये सही है। और माला को अंदर में दिखा दे। एक बार किधर से हाथ घुसाएंगे दिखा दो, फिर उल्टा कभी हाथ घुसा देते, हाथ घुसाओ सबको एक बार, हाथ घुसवा करो माला के अंदर देख करके, एक बार हाथ घुसाओ, हाँ सब कैसे पकड़ो, पकड़ करके देखो उसका मुंह नहीं, वो नहीं दूसरे तरफ, हाँ बड़े बड़े वाले देखो, जो बड़े वाले, हाँ हाँ जो अंगुल निकाला किधर से, अंगुल अंगुल जो निकाला ना, हरे कृष्णा पादौ यदीयौ प्रथमस्तृतीयौ तृतीयतुर्यौ कथितो यदूरु नाभिस्तथा पञ्चमयेन षष्ठौ भुञ्जावतं तौ युगलत्तथान्यौ कण्ठस्तु राजन नवमो यदीयौ मुखारविन्दं दशम प्रफुल्लम् एकादशम यस्य ललाटपट्टकम् शिरोऽपि यद्वादश एव भाति। जब 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 पहले हरे कृष्ण, पहले जब वंदना करना, पहले ओम ज्ञान तिमिरम, उसको बाद में इसको, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने गुरु पाद पर पूज्य पाद मुक्ति विधान श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में, पूज्य पाद नहीं भक्ति विधान स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री भक्ति रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी बहुत बार बार प्रणाम करता हूँ। कल श्री महाराज जी के चरण शरण में बैठ करके इनके सानिध्य में हम लोग श्रीमद श्रीमद भागवत जी के दशम स्कंद के
दिव्य प्रकरण को श्रवण कर रहे थे, आज उसी को ही एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। गुरुदेव ने बताया था कि एक बार कि स्वयं सुखदेव जी सोच रहे हैं कि यशोदा जी कितनी भाग्यवान हैं कि इनके यहाँ साक्षात परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री भगवान आए हैं। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचापरम पूर्वा परम बहिष्यांतर जगतो यो जगच्चय तम मत्वात्मजम अभ्यक्तम मर्तलिंग मदोक्षजम गोपी गोखले नाप बंध प्रकृते यथा। कितने सौभाग्यशाली हैं कि नंद और यशोदा जी के यहाँ श्री भगवान आए हैं और इनको उन ऐसे दिव्य विभूति के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और एक बार क्या हुआ, एकदा गृह दासीशु, यहाँ पे दासीशु शब्द जो है बहुवचन है, यद्यपि बहुत सारे दास दासियां श्री यशोदा जी के यहाँ पे हैं, परंतु फिर भी वो श्री भगवान के लिए स्वयं जो माखन है वह निकालती है, मर्त तदही पयह, तो इस कारण से वह सोच रही है कि मैं श्री लाला की सेवा स्वयं करूं, मतलब श्री भगवान के लिए माखन स्वयं निकालूं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि श्री नंद जी के यहाँ 11,00,000 गौवे हैं, पर उसके अंदर जो कुछ गाय है जिसका नाम है पद्मगंधा, क्योंकि पद्मगंधा गाय वो है जिसके जो कान है वह काले रंग के हैं, श्याम रंग के हैं, और वह पूरी भूरी गाय है। तो पद्मगंधा का जो दूध है वो बहुत ओजस दूध है, वो पद्मगंधा का दूध जब निकलता है और उसके बाद जब वह गर्म करने के लिए उठाया जाता है तब वह इतनी सुगंधायुक्त तो हो जाता है कि आसपास सभी सभी स्थानों को वो महका देता है। इसलिए सोची, और पीने के लिए अति पुष्ट है, हर तरीके से वह पुष्ट है, इसलिए सोची कि है ना इनका दूध श्री लाला के लिए उत्तम है, तो मैं स्वयं दधि मंथन करूं और लाला के लिए माखन निकालूं। फिर उसके बाद श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है श्री यशोदा जी का कि वे क्या करती हैं, गुरुदेव बताते हैं कि जो सेवा है वह पैसे देकर के नहीं करी जाती, वह तो स्वयं प्रकट हो जाती है सेवा। जो श्री भगवान से जिसकी प्रीति है अथवा किसी से प्रीति है तो उसके लिए सेवा करने का भाव स्वयं प्रकट हो जाता है। तो इन्होंने बताया था कि क्या हनुमान जी जो है वो पैसा लेकर के सेवा करते हैं? नहीं, पैसा लेकर के नहीं, वो श्री भगवान के चरण में शरणायुक्त हैं और श्री भगवान से प्रीति है उनकी, दास्य भाव है। इस कारण से हनुमान जी उनके ही श्री हनुमान जी जो है उनकी सेवा करते हैं। इस कारण से जो प्रेम होता है वो स्वयं प्रकट हो जाता है। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है कि श्री जी जो है जैसे श्री राधा रानी है, श्री राधा रानी श्री गोविंद के लिए जब पाक इत्यादियों को बनाती हैं, तो यद्यपि श्री राधा रानी जो चंद्रमा है वो चंद्रमा शीतल प्रदान करता है, परंतु श्री कृष्ण प्रेम में ऐसे संलग्न है वे कि वो उनको भी तापित करता है। और जब श्री राधा रानी बैठती हैं तो चूल्हे के बीच में जब बहुत सारे जहां पाकशाला है, पाकशाला में श्री भगवान के लिए दिव्य पाक और लड्डू बनाए जाते हैं ताकि श्री भगवान भोग के बाद जो है वो लड्डू जो है आरोगेंगे, तो इसलिए बैठ करके वो जो तापित जो उष्ण निकलता है उसमें वह उनको शीतलता प्रदान करता है। ये सब प्रेम के दिव्य संपुट हैं। और उसके बाद कहा कि घर से इतने पास होते हैं भी श्री भगवान से के सेव घर से इतने पास होते हैं भी वह सेवा करती हैं। एक दिन क्या हुआ, श्री यशोदा जी हैं वो जल्दी उठ गई, जब उनको यूं लगा कि अब मैं स्वयं इनकी सेवा करूंगी, मैं स्वयं इनके लिए दधि मंथन करूंगी, तो वो एक दिन स्वयं सुबह जल्दी उठ गई। जब जल्दी उठी वे तो लाला तो शयन कर ही रहे थे, तो श्री यशोदा जी जल्दी उठी, उठ करके जो है दधि मंथन करने लगी। जब दधि मंथन करने लगी तो बैठ करके अब श्री कृष्ण वहां है, लेकिन श्री यशोदा जी को श्री लाला की जो है स्मृति बनी रहे, इसलिए वहां कि उनके द्वारा बनाए हुए अलग अलग पद शयन के पद हैं, ठाकुर जी के अलग अलग पद हैं, उसका गान कर रही हैं। लाला की स्मृति, श्री भगवान की स्मृति लगातार बनी हुई है, तो वो कर रही है। नैनों में नींद झुकी आई श्री बिहारी जी के, नैनों में नींद झुकी
नैनों में नींद झुकी आई श्री बिहारी जी के। अन्य अन्य प्रकार के पद जो है वे स्वयं रचना कृत करके और श्री लाला के लिए गा रही हैं और उनकी सभी स्मृति बनी रहे। फिर उसके बाद जो है अब एक बात और कही है कि वे क्यों कीर्तन क्यों कर रही हैं। इसीलिए कीर्तन कर रही हैं वे कि जैसे जैसे गोपियां कहती है त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। जब श्री लाला गोचारण करके जब जाते हैं और गोचारण के लिए जाने के बाद जब रात्रि हो जाती है तो रात्रि की बेला में वे स्वयं वापस आते हैं तो गोपियां अट्टालिकाओं के गवाक्षों को और झरोखों में से देख रही हैं कि कब श्री कृष्ण का दर्शन हो। लेकिन धूलि दूसरी तंगम नृत्यति वेदांत सिद्धांत। धूलि दूषित होकर के श्री भगवान जब ओझल हो जाते हैं तब त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। वो देख करके जब उनकी पलक झपकती है तो देख ब्रह्मा जी को कहती है कि ये सृष्टि किसने करी है इन नेत्रों की, क्योंकि निमिष निमिष महते एक एक निमिष में कोटि कोटि कल्पों की विरह जो विरह है वो प्रस्तुत हो जाता है इस कारण से। और एक और बात है यहाँ पे गुरुदेव ने बताया था मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां श्री भगवान का कीर्तन होता है अथवा कथा होती है वहीं पे श्री भगवान विराजित हैं। तो इसीलिए वो जो जो लीलाओं का गान यशोदा जी कर रही हैं उनकी स्मृति श्री भगवान में बनी रहे ये तो गौण बात है। मुख्य बात ये है कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात श्री लाला ही पास में है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लगातार जो है श्री भगवान की लीलाओं का चिंतन करके गा रही हैं। और दूसरी बात यहाँ कथा से जाने के जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या होता है, हम गुरुदेव ने बताया था हम लोग बैठे हैं बैठते हैं तो कथा चल रही है, हम लोग कथा रस सरस दिव्य पान भी कर रहे हैं कथा रस का। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर गए तो ऊट पटांग सारी की सारी दुनियादारी की बातें हमें तब समझ में आ तब सब सब कुछ दिमाग में चल जाता है कैसेट की तरह। तो इसलिए जहां पे कथा है वहीं कृष्ण स्मृति है और जहां कृष्ण स्मृति है वहां पे सारे के सारे अन्य जगत या अन्य विषयों के प्रति विरक्ति है। यही बात यहाँ पे गुरुदेव कह रहे थे। अगली बात श्री यशोदा जी बहुत सुंदर कीर्तन कर रही हैं और जब कीर्तन कर रही हैं तो हाथ में चूड़ियां उन्होंने पहन रखी हैं और जब चूड़ियां की थी पहले की मैया चूड़ियां यहां तक पहनती थी हाथ तक तो वो जब बजती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे कासर बज रहे हो। और जब वो राई बिलोती हैं रई से जब वो माखन निकालती हैं मटकी के अंदर तब वो घरड़ घरड़ की आवाज ऐसे प्रतीत होती है जैसे मृदंग बज रहा हो। गुरुदेव ने बताया था ये मृदंग क्या कहता है, ये मृदंग कहता है कि जिसने श्री कृष्ण कथा नहीं सुना ना उसके जीवन को धिक्कार है। तेषां श्री मद यशोदा सुत पद कमले नास्ति भक्ति नराणां तेषां महावीर कन्या प्रिय गुण कथने नाम भवतार सख्यम तेषां श्री मद यशोदा प्रिय गुण कथने नाम भवतार सख्यम धिक्तान धिक्तान दिगेतान कथ्यते सततम कीर्तनस्तु मृदंगम। जिसने श्री भगवान की कथा नहीं सुनी, जिसने श्री राधा और श्री कृष्ण के चरित्रों में अपना मन नहीं लगाया, जिसने श्री भगवान के गुणों को नहीं कहा तो उसको कीर्तन में बजता हुआ मृदंग यही कहता है धिक्तान धिक्तान धिक्कार है ऐसे जीवन को धिक्कार है। यह बात भी कल गुरुदेव ने बताई। फिर उसके बाद कह रहे हैं जैसे एक बात और बताई थी जैसे चूड़ियां पहन करके जब कोई महिला काम करती है, कोई परिणीता जब काम करती है तो जो पति है वो प्रसन्न होता है कि हाँ मेरी पत्नी जो है काम कर रही है उससे स्मृति भी बनी रहती है कि हाँ वह उपस्थित है। ऐसे ही जब श्री यशोदा जी जब हम लोग सेवा करते हैं ठाकुर जी, क्योंकि हमारे पति कौन है, जगन्नाथ जी है, सर्वतो भावे न हमारे जन्म जन्मांतरों के पति श्री जगन्नाथ जी हैं, तो इसी कारण से हम लोग भी जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो श्री भगवान अपने दिव्य मुखारविंद को विस्मित करते हुए और दिव्य दंत पंक्ति दिखाते हुए प्रसन्न होते हैं। तो ये भी कल गुरुदेव ने बताया था। उसके बाद श्री भगवान को भूख लगी तो श्री भगवान ने क्या किया, वो नींद में उठे पेट के बल से श्री भगवान उठे। एक बार गोपियां कह रही है कि दूसरी गोपी को जाकर के, अरे सुना है
कि मैंने क्या देखा है, तो बोली क्या देखा है, वो कहती है सुन सखे कौतुक मेकम नंदन के तांगणे मया दृष्ट्वा गोधूलि धूसरी तंगम नृत्यति वेदांत सिद्धांत। जो वेद के प्रतिपाद्य और संपादन करने वाले जिस सिद्धांतों को प्रतिपादन करते हैं वह आज यशोदा जी के द्वार पर खेल रहा है, इस कारण से ये वैष्णव भगवान है। और उसके बाद जब उनको भूख लगी वो पेट के बल से नीचे उतरे, उतरने के बाद उसको बाद में और बोलो हम कथा विश्राम कर देंगे, एक घर में प्रोग्राम हो गया, अब 5 मिनट में सुना दूंगा। बच्चों अच्छी लगते हैं तुम, हाँ ये कथा तुम लोगों को सीखना ठीक है ना, देखो ये भी तुम्हारे जैसे बच्चे हैं सब, तुम भगवान की कथा बोलोगे तो सारा दुनिया सुने, रोज रोज कोशिश करना जब समय हो जाएगा आ जाना, रोज रोज थोड़ी थोड़ी इस कथा होती है थोड़ी थोड़ी सुनते सुनते तुम्हारी भी ज्ञान हो जाएगा, कि नोटबुक काफी में ले आना धीरे धीरे लिखना तो भी सब याद है इस कथा बोलो। ज्ञान के मेरा अंदर से ज्ञान जब चला गया जब सुरन मिली तब ये ना कभी ये शुरू हो गया। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे जिस प्रकार मैं यशोदा धरी मंथन कर रहे थे, मुख से भगवान का नाम ले रही है और हाथों में सेवा, यहाँ पर गुरुदेव शिक्षा दे रहे थे किस प्रकार हर गृहिणी का यही कार्य होना चाहिए, हाथों में जो कुछ भी सेवा करो ठाकुर की सेवा मानकर और मुख से भगवान का नाम लेते हुए। अभी भगवत सेवा और भगवत कीर्तन करने का फल क्या है, भगवान का दर्शन, इसलिए कृष्ण अभी रह नहीं पाए, कृष्ण वहां पर सोते रह नहीं पाए, पेट के बल रुकते हुए पलंग से नीचे आए और माँ को पीछे से पकड़ लिया, माँ को पीछे से आलिंगन करके कह रहे हैं मैया मुझे बड़ी भूख लगी है, मैया मुझे दूध पिला दे। माँ अभी चिंतन कर रहे हैं कि अभी सूर्य निकल जाएगा, सूर्य निकल जाएगा तो ये मक्खन ठीक से बनेगा नहीं, इसीलिए मानो माँ और जोर जोर से मंथन करते हुए कृष्ण को कहने लगी, बोले लाला तुझे मक्खन भी खिलाऊंगी तुझे दूध भी पिलाऊंगी, किंतु कुछ अपेक्षा कर, कुछ देर रुक जा, कुछ देर के बाद में मैं तुझे दूध पिलाऊंगी। अभी माँ फिर अपना मंथन करने लगी, कृष्ण यहाँ पर सोच रहे हैं कि माँ का यदि कार्य मैंने बंद नहीं किया, जब तक माँ का काम बंद नहीं करूंगा तो माँ मुझे दूध नहीं पिलाएगी, अभी तक पीछे थे आगे आकर क्या किया, सीधा जाकर राई को ही पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ पर अगर माँ की अगर रस्सी पकड़ते तो रस्सी का घर्षण लगता, अगर माँ का हाथ पकड़ते तो माँ के बल से रोक नहीं पाते, इसलिए जाकर सीधा राई ही पकड़ लिया, ना तो राई हिलने जा रही है और ना ही मंथन हो पा रहा है। तो माँ देखकर ये बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले मेरे बेटा कितना बुद्धिमान है, कितनी बुद्धिमत्ता का इसने काम किया कि राई ही पकड़ ली ताकि मैं मंथन ही नहीं कर पाऊं। इतने मैया को उन पर प्यार आ गया, स्नेह आ गया, मैया ने कृष्ण को गोद में लिया, उनका मुख चुंबन करते हुए स्वाभाविक रूप में उनका उनको स्तनपान कराने लगी। यहाँ विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर मैया का सुंदर स्वरूप वर्णन करते हैं, किस प्रकार मैया ने रेशमी वस्त्रों से अपने श्रीअंग को श्रृंगार किया हुआ है, मंथन करते हुए मैया मानो मंथन के परिश्रम से मैया के मुख पर पसीने की बूंदे आ गई है, केश में बड़ी सुंदर फूलों से चंपा के फूलों से श्रृंगार किया हुआ है, एक एक पुष्प मानो नीचे गिर रहा हो, और मैया के मैया का पूरा श्रीअंग बड़ा सुंदर सुशोभित है। यहाँ पर विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर वर्णन करते हुए कह रहे थे कि जो लोग वात्सल्य रस के उपासक है उनको इसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, किंतु जो लोग राधा कृष्ण के उपासक है जैसे हम लोग, तो हम लोगों को क्या स्मरण करना चाहिए, दिव्यद वृंदारण्य कल्प द्रुमाग श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिवि सेव्य मानो स्मरामि। श्री राधा कृष्ण युगल किशोर दिव्य रत्न वेदी पर विराजमान है, सखियां उनको सुशोभित है, कोई चामर ढुला रही है, कोई मयूरपंख ढुला रही है, कोई उनको पान की बिड़िया दे रही है, पास में कलकल यमुना बह रही है, सुंदर चार तरह की कमल उसमें प्रस्फुटित है, और इतने सुंदर वातावरण के अंदर राधा कृष्ण लीला विलास कर रहे हैं, ऐसा युगल किशोर स्वरूप किनको स्मरण करना चाहिए, जो लोग श्रृंगार रस के उपासक हैं। तो यहाँ पर मैया के स्वरूप को वर्णन करने के बाद में विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण को स्तनपान कराने लगी मैया। अभी माँ के स्तन में दूध आता है किससे, वात्सल्य भाव से, और मैया यशोदा का कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य है कैसा है उसकी कोई सीमा नहीं, माँ का कृष्ण के प्रति प्रेम अनंत है, और कृष्ण कौन है हम पहले देखा था ना हम लोगों ने, जब कृष्ण ने मृदु भक्षण किया तो मुख में ही विश्व ब्रह्मांड दिखाया, तो कृष्ण के अंदर भी अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विराजमान है, ना माँ के स्तन में दूध की कमी हो सकती है और ना ही कृष्ण का पेट भर सकता है, तो यहाँ पर मानो उन दोनों में होड़ा होड़ी लग गई,
और पास में माँ ने चूल्हे पर दूध गर्म करने को रखा था। अभी ये दूध चिंतन कर रहा है, देखो ब्रज में हम श्रवण कर रहे थे कि दूध भी साधारण नहीं है, दूध भी चिन्मय है। ब्रज की जो गाय है वे गाय भी साधारण नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं कि नारद गरुड़ इत्यादि बड़े बड़े ये महाजन भी संत रूप एक गाय रूप में आकर और ब्रज में वास करते हैं ताकि उनका दूध भगवान की सेवा में लगे। तो इसलिए दूध भी यहाँ पर चिंता कर रहा है कि ना ही तो माँ के स्तन से दूध कम होने वाला है और ना ही कृष्ण की भूख मिटने वाली है, तो मैं कृष्ण की सेवा में लग ही नहीं पाऊंगा। मानो दूध ये कह रहा है कि कृष्ण सेवा में यदि जीवन को नहीं लगाया तो उस प्राण धारण करने का कुछ लाभ नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर अपने कीर्तन में कहते हैं ना, कैनोवा अच्छा है प्राण की सुख लागिया नरोत्तम दास कैनो नागेलो मरिया, कि यदि ये जीवन कृष्ण सेवा में नहीं लग रहा है, अगर भगवत जीवन पा अगर ये मनुष्य जीवन पा के भगवान की सेवा नहीं करी, कृष्ण का भजन नहीं किया, तो ये जीवन धारण करने का कोई लाभ नहीं है, इसको मर जाना ही ठीक है। तो ये दूध भी मानो यही सोचते सोचते ऐसे ही चिंतन करते करते उपन रहा है और उपन के अपने प्राण को उत्सर्ग कर देगा अभी अग्नि के अंदर। किंतु यहाँ पर कौन है, यशोदा मैया साक्षात विराजमान है। यशोदा मैया का इनका नाम ही यशोदा है, यशोदा अर्थात जो सबको यश दे, सबको यश दे, ये भक्त है। और भक्त का क्या काम होता है, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना। यशोदा मैया अभी कृष्ण को कह रही, बोले लाला तू थोड़ा उतर जा और मैं जाके दूध की रक्षा कर लेती हूँ, दूध को चूल्हे से उतार देती हूँ। कृष्ण मानो यहाँ पर क्रोधित होते हुए कहने लगे, अभी मेरा पेट भी नहीं भरा, अभी मेरा आधा पेट भी नहीं भरा और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। तो कृष्ण ने तो जैसे बंदर पकड़ता है अपनी माँ को, इस तरह से जोर से पकड़ के और माँ को पकड़ लिया। किंतु माँ अभी दूध की रक्षा करने के लिए जाएगी तो उन्होंने क्या किया, एक हाथ से कृष्ण को उठाकर और एक साइड में बिठा दिया। हम यहाँ पर टीकाकार लोग कहते हैं कि कृष्ण जब 6 दिन के थे तो पूतना आई थी। पूतना राक्षसी कैसी थी, त्रिगभी थी, इतना विशाल शरीर उसने धारण किया, फिर भी कृष्ण को अपने स्तन के ऊपर से टस से मस नहीं कर पाई, उसको हिला भी नहीं पाई। किंतु यहाँ पर मैया का वात्सल्य भाव इतना प्रबल है, इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने कृष्ण को उठाकर एक तरफ रख दिया, बोले तुम मेरे लाला हो, तुम मेरी कोख से जन्म लिए हो और साइड मैं जैसे कहती हूँ वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा। तो मानो कृष्ण वात्सल्य भाव के सामने कृष्ण का सारा ऐश्वर्य धरा का धरा रह गया। माँ ने कृष्ण को एक तरफ बिठाया और जाकर दूध की रक्षा करी, दूध पे पानी के छींटे मार के और उसको उठाकर नीचे रख दिया। ये देखकर कृष्ण बड़े क्रोधित हो गए कि अभी मेरा पेट भी नहीं भरा था, पेट भी नहीं भरा था और तुम दूध की रक्षा करने के लिए, देखता हूं तुम कितने दूध की रक्षा करोगी। कृष्ण ने क्या किया, वहां पर विशाल जो हांडी थी उस हांडी को अपने बल से गिराने की कोशिश करी, किंतु कृष्ण में इतना बल भी नहीं है कि उस हांडी को गिरा दे। कृष्ण को जो गिरिराज गोवर्धन धारण कर सकते हैं कृष्ण, वो इस हांडी को नहीं उठा सकते, गिरा सकते। तो कृष्ण ने यहाँ पर चेष्टा करी किंतु हांडी को हिला भी नहीं पाए। अभी पास में एक पत्थर पड़ा था उसको उठाकर कृष्ण ने और मटकी को फोड़ दिया। मटकी को फोड़ा तो उसके अंदर जो सारा मट्ठा था वो गिर गिर के बाहर आने लगा और कृष्ण उसको देख देख के बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं, बोले मैंने मटकी फोड़ दी, जैसे छोटे बालक करते हैं, मैंने मटकी फोड़ दी। इस प्रकार उसको देख कर वहां से दूध निकले जा रहा है और कृष्ण देख देख कर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अभी शुरू में तो प्रसन्न हुए, बाद में चिंतन करने लगे कि अगर माँ आई और माँ ने देखा कि मैंने ये मटकी फोड़ी है तो फिर तो खैर नहीं, आज तो खैर नहीं। तो ऐसा सोच के कृष्ण वहां से भाग के और दूसरे कमरे में चले गए, ओखल के ऊपर चढ़ के और वहां से माकर निकाल निकाल के बंदरों और कौओं को खिला रहे हैं। इसके बाद का हम लोग गुरुदेव की मुखारवि से श्रवण कर रहे हैं। मक्खनचोर भगवान की, और 5 मिनट सुन लो, अभी हम प्रोग्राम में जाएंगे। अभी यहाँ प्रश्न होता है, जब मैया यशोदा कृष्ण को स्तन पान करा रही थी, यहाँ पर तो डायरेक्ट कृष्ण सेवा कर रही थी, कृष्ण सेवा कर रही थी डायरेक्ट, फिर दूध को उतारने के लिए फिर क्यों गए, फिर दूध बनेगी, फिर उसको दही जमाएगी, फिर उसको मंथन करेगी, फिर मक्खन निकलेगा, उसको बाद में जाकर कृष्ण सेवा में लगेगी। लेकिन यहाँ तो मैया कृष्ण को डायरेक्ट ही यहाँ पर स्तनपान कर रही थी, यहाँ तो कृष्ण का डायरेक्ट सेवा हो रही है, फिर ठाकुर का सेवा छोड़ करके मैया ने फिर दूध की रक्षा करने के लिए फिर क्यों गए, इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य कहते हैं, शिक्षा देते हैं, देखो अगर हम कृष्ण नाम कर रहे हैं, भगवान की नाम कर रहे हैं, डायरेक्ट कृष्ण सेवा है। अगर हम रसोई में अगर कोई चीज बन रहा है जैसे दूध उतल रहा है, फिर क्या करेंगे, क्या हरिनाम को करते रहेंगे ना, हरिनाम को रख करके दूध जो उतर रहा है उसको रक्षा करने जाएंगे, क्या करेंगे, दूध रक्षा करने के लिए। बोले
यद्यपि भगवान का नाम डायरेक्ट कृष्ण सेवा है, यद्यपि ठाकुर का जैसे डायरेक्ट सेवा कर श्रृंगार कर रहे, अगर दूध उफन रहे तो क्या करना, श्रृंगार को वहीं बंद करके दूध को रखा करने जाते, क्यों, वो भी कृष्ण सेवा में ही लगेगी। इसलिए मैया सोच रही हैं मेरे स्तन में जो दूध है ये तो लाला किसी समय भी मैं पिला सकती हूँ, लेकिन अगर दूध उतर करके अगर गिर पड़ा तो उससे मक्खन बनता है, जो उफन कर गिरती है ना उससे मलाई बनती, वो मलाई से ही मक्खन बनती है। अगर वो उफन कर गिर गया फिर बच्चा का अमंगल होगा, मलाई बनेगी नहीं, फिर कृष्ण थोड़ी देर बाद में कहेंगे भैया मेरे को मक्खन खिला दे, फिर मैं मक्खन कहाँ से लाऊंगी। इसलिए शिक्षा देते हैं कृष्ण सेवा से भी कृष्ण की जो सेवा की वस्तु में ज्यादा हमें स्नेह देनी चाहिए। जैसे ये मंदिर है, यहाँ देखिए सबों को ध्यान देना चाहिए, मंदिर है कहीं कोई चीज गंदा पड़ा हुआ है लेकिन हम देख करके भी हमारे अंदर में कोई ममता नहीं आ रही, नहीं ये सबक नहीं। इसलिए यहाँ पर एक हर चीज यहाँ पर कृष्ण सेवा की वस्तु है, कोई चीज गंदा पड़ा हुआ, कोई उल्टा पुलटा पड़ा हुआ, नियम क्या है हमें उस चीज को हमें साफ सुथरा करनी चाहिए, क्यों, यहाँ सारे चीज कृष्ण की सेवा की वस्तु, कहीं चीज छाप में पड़ करके नष्ट हो रहा है, कोई चीज गीला होकर के नष्ट हो रहा है, अगर हम उसको देख करके भी हमारे अंदर में दया नहीं, इसका मतलब तुम्हारी भक्ति नहीं, क्या तुम्हारी भक्ति भक्ति नहीं है, तुम्हारी गड़बड़ी भक्ति में कुछ गड़बड़ी तुम्हारी है, भक्ति में कुछ गड़बड़ी। इसलिए यहाँ पर मंदिर ये ठाकुर का मंदिर है, है? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तुम्हारा संसार है हमें विषय प्रहरी, ये कृष्ण का संसार है, कृष्ण का संसार में हम प्रहरी जैसे हम काम कर रहे हैं। कहते तुम्हें तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जाना मोरे, कहते ठाकुर आप तो मेरे ठाकुर मैं तुम कुत्ता है, कुत्ता क्या करता है बाहर बैठा रहता है ना, कोई उल्टा पुलटा व्यक्ति को घर में घुसने नहीं देगा, कुत्ता केवल जान परिचित व्यक्ति हो ना तो अंदर में घुस सकते हो, अनजान कोई व्यक्ति होगा ना कुत्ता क्या करेगा भो करना शुरू कर देगा, उसको अंदर में घुसने नहीं देगा। इसलिए यहाँ से क्या देते हैं हम सबके साथ ठाकुर का मंदिर में हम कुत्ते हैं सबके सब, इसलिए कोई उल्टा पुलटा व्यक्ति को मंदिर में घुसने हम नहीं देंगे। इसलिए शिक्षा देते हैं ठाकुर को सेवा की वस्तु का प्रति हमारी ममता रहनी चाहिए, जितने तुम्हारी ममता ठाकुर का प्रति है ऐसे ही ठीक ममता उनकी सेवा की, ठाकुर का कोई वस्तु गिर करके नष्ट तो नहीं हो रहा है, मंदिर में कोई चीज खराब तो नहीं हो रहा है, हर चीज को हमें ध्यान देनी चाहिए तभी ये भक्ति का लक्षण, नहीं तो तुम्हारी भक्ति भक्ति में कुछ गड़बड़ी है। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट कृष्ण सेवा तो हो रही थी लेकिन मैया ने किया कि कृष्ण को उतार करके कहाँ चली गई, दूध को रक्षा करने के लिए चली गई। जब चली गई गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण को कैसे क्रोध आया, बोले कितने तुम दूध रक्षा करोगे, इसलिए उन्होंने क्या किया मटकी को उन्होंने फोड़ दी, जब फोड़ दी जब दूध निकलने लग गए इतने में कृष्ण तभी क्षांत नहीं हुए, वहां से गए जाकर के पास में एक दूसरे घर में गए, जाकर के देखा छिके के ऊपर में मक्खन लटका हुआ, उन्होंने के उखल को गिरा दिया, उसको ऊपर में चढ़ गए और चढ़ करके वहां से उन्होंने मक्खन को उतार उतार कर कौए और बंदर को देने लग गए। सुन रहे थे ना ये कौए बंदर को क्यों दिए, कि जो कौए है ये कहाँ भुक्षुण्डी का बंदर है जो हर समय नीलगिरि पर्वतों पर बैठ करके नित्य निरंतर प्रभु राम की कथा सुनाते हैं, ये बंदर कौन है हनुमान की वंशधर है। कहते इन लोगों ने रामलीला में बिना मैंने इनको कुछ भी खाने नहीं दिया अपने आप जंगल से फल फूल खा लेते थे और मेरे लिए युद्ध करते थे, इन लोगों ने मेरे लिए इतना किया मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है, अभी कृष्ण लीला में ये दोनों को हम मक्खन खिलाएंगे हैं। इसलिए उनको बुला बुला करके भगवान क्या कर रहे थे मक्खन खिला रहे थे, इतने में मैया जसोदा थोड़ी देर बाद में आई हाथ रख देखा मटकी फड़ा हुआ, मैया को तो हंसी भी आई क्रोध भी आई हैं, उनका हंसी इसीलिए आई देखो इतना बचपन में मटकी फोड़ दी हैं, मटकी फोड़ दी चंचल हो गया बालक, उनका हंसी भी आई दया भी आई फिर उसके बाद में क्रोध भी आया, बोले क्रोध क्यों आया, बोले कारण है अगर बचपन में कोई बच्चा अगर कोई गलती काम करे बचपन से उसको शासन करनी चाहिए, इसलिए चाणक्य नीति है 16 साल तक बच्चों को शासन में रखनी चाहिए, उसको बाद में बच्चों को फिर छोड़ देनी चाहिए, 16 साल तक बच्चों को एकदम अच्छे तरह से शासन करके डांट करके गलत रास्ता से उसको बचाओ हैं, लेकिन 16 साल के बाद में मित्रवत व्यवहार करो, फिर ऐसे डांटना नहीं बच्चों को 16 साल से ज्यादा हो गए फिर वो उत्तर दे देगा, इसलिए 16 साल तक ही बच्चे को शासन करनी चाहिए, नहीं तो बच्चा क्या होगा बिगड़ जाएगा बच्चा,
बल्कि अगर मैं सांस का समय की मटकी, पहले तो पीतल और सिल्वर का होता नहीं था, सब मिट्टी का होता था, और जिस जिस मटकी में दही की मंथन होना, कभी आपने मटकी में रखे होगा, जो रखा पता होगा, वो घी पी 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 करके ना इतने मुलायम हो जाता है और इतने टाण, इतने वो एकदम पत्थर जैसे हो जाता है, सर में नहीं टूटता है, क्यों घी पीता रहता है, इसमें बड़ा मजबूत हो जाता है। कहते मेरे सांस का समय की मटकी कितने मैंने प्रेम से रखा था और इतने दिन की मटकी को तुमने फोड़ दिए, हैं? भले इसको कुछ दंड देनी चाहिए। कहते चोर जब चोरी करता है ना, ऐसे कुछ चिन्ह छोड़ करके जाता, सीआईडी उसको पकड़ लेता है, सीआईडी पकड़ लेता है, मैया सीआईडी, कृष्ण तो चोर है, छोटे छोटे चोर नहीं, कहते चौराग्र गण्यम, चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, सबसे बड़े चोर कृष्ण है। लेकिन करने पर क्या होगा, जब कृष्ण वहां खड़े हुए थे, वो दही घर में फैल गया मट्ठा, कृष्ण के चरण में भी ये मट्ठा लगा हुआ था, इसलिए अब उनके चरण में मट्ठा लग गए, इसलिए कृष्ण जब ऐसे चलते चलते गए ना, उनका चरण के छाप भी बढ़ते बढ़ते गया है। मैया उसी छाप को देख करके हाथ में छड़ी ले ली, अब उसको देख करके जा रही। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, क्या कृष्ण को पता नहीं था मेरे चरण का छाप पड़ा हुआ, मैया उसको देख करके पकड़ लेगी, क्या उनको पता नहीं था? तो भगवान ही, वो सब जानते हैं, सारा दुनिया का मालिक, क्या उनको पता नहीं था? बोले सब कुछ पता है, फिर छोड़ कर क्यों खेल रहे? तो टीकाकार कहते हैं, बोले तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तदामी बुद्धि योगम तम जनमाम उपजान कीजिए। इसलिए जो सतत पूर्वक हर समय मेरी भक्ति करता है प्रेम पूर्वक, वो कैसे मेरे को प्राप्त करेगा, इसका रास्ता मैं स्वयं देता हूँ। सही जाने जा रहे देहु जाना है, उनको वही जान सकता है वो जिसको खुद कृपा करके जनाते हैं। इसलिए बोले न अयम आत्मा प्रवचने न लब्ध न मेधया न बहुना श्रुते न, उनको ज्यादा सुन करके प्रवचन को द्वारा है बुद्धि को द्वारा उनको जान लेंगे, जान नहीं सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं जानो तो एव जानंतु, कहते अगर कोई बोलता है मैं उसको जानता हूँ, जानने दो, मैं चतुर्मुख ब्रह्मा जगत को सृष्टि करने वाली हैं, मेरे बस की बात नहीं हुआ है। धूल पृथ्वी का धूल कण को कोई गिन सकते, बारिश का बूंद कोई गिन सकते, लेकिन उनकी महिमा को कोई भी नहीं गिन सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कृष्ण कृपा मैया, कृष्ण को पता है मैया ढूंढेगी, अगर मैं स्वयं पकड़ में नहीं आऊँ ना, मैया मेरे को पा नहीं सकती है। इसलिए मानो अगर सच दिल से अगर उनको कोई ढूंढे तो ठाकुर जी क्या करते हैं, चरण का छाप रख करके जाते हैं। जैसे आप लोग, जैसे देखो आप लोगों ने दर्शन, अभी तो कृष्ण दर्शन हुई है आपको, आप लोग बताओ अब तक कृष्ण को दर्शन किया है? नहीं दर्शन किया है, लेकिन नहीं करने पर भी ठाकुर हर इंसान को एक भावना दिया है, लेकिन क्या भावना दिया, ठाकुर जरूर है, उसके इच्छा के बगैर के पता भी नहीं हिलता। हम बोलते ना यद्यपि ठाकुर दर्शन नहीं किया, लेकिन हमारे हृदय में ये एक भावना विद्यमान है, ठाकुर हर जीव को ये चीज दे करके रखे, तभी तो आकर के भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, गले में कंठी माला, तभी तो तिलक लगा, नहीं तो थोड़ी लगाते। ठाकुर का दर्शन नहीं किया, पता नहीं कितने जन्म मिलेंगे ठाकुर जी, लेकिन हमारे हृदय में भावना है, अगर उनका नाम लेंगे, भक्ति करेंगे, एक दिन ठाकुर जी हमें दर्शन जरूर देंगे, ये भावना है। इसलिए हम एक बार कथा रख लेते हैं, फिर हम लोग हम लोग इस प्रोग्राम में जा रहे हैं। एक जाओ एक करताल करताल है कि ऐसी चलेंगे, हाँ बस वो रुकते हैं।